वाकई हर दूसरा घर, यही हमारी बात है कि हर दूसरा घर बलोच का, बलोचिस्तान का, वहाँ कोई ना कोई मिसिंग है, कोई ना कोई या तो उसकी मतशुदा लाश फेंक दी गई है या एक बच्ची छोटी बैठी उसके सामने प्ले कार्ड रखा है कि हमारा ताल्लुक इस गुलशन से है जिसके फूल जिंदानों में खिलते हैं और तितलियां रोडों पर पलती हैं। ये प्ले कार्ड पर लिखे हुए चंद लफ्ज़ नहीं हैं, ये एहसासात हैं और ये एहसासात कई सवाल जन्म देते हैं। नरगिस फयाज़ जिसे क्वेटा से जबरी तौर पर लापता किया गया, जब उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उस बच्चे को नहीं पता कि उसने अपने वालिद की अभी तक शक्ल तक नहीं देखी है, उसे नहीं मालूम, उसे अब्बा कहना तक भी शायद अभी नहीं आता हो। उन लोगों को भी उठाया जाता है जो अपने पूरी फैमिली के रूह का उनका ताल्लुक होता है कि वो रूह का दर्जा रखते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, जिनके बग़ैर उनकी फैमिलीज़ में ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, सांस लेना कितना मुश्किल है। ये छोटी बात नहीं है, यहाँ कई सवालात उठते हैं। आखिर क्यों, वजह क्या है बलोच को लापता करने की, आखिर वजह क्या है? आप उस वजह को तो हमें बता दें, आप हमारे सवालात के कोई जवाब, एक जवाब तो हमें दे दें कि क्यों अगवा किया। हम ये सवाल करते हैं कि अपने कज़न से पंजाब हॉस्टल में मिलने जाने के लिए बीबर इमदाद को क्यों अगवा किया गया? वो स्टूडेंट कह रहा है कि आई एम ए स्टूडेंट, मेरी हेल्प कीजिए। वो हेल्प के लिए कहता है लेकिन वो उसे बेदर्दी से मार पीट कर गाड़ी में बिठा देते हैं। आखिर क्यों आप बलोच स्टूडेंट्स के साथ, बलोच के साथ, चाहे वो बुज़ुर्ग हों चाहे छोटे बच्चों हों, पंजगूर के एक इलाके कर्क डल से पूरी फैमिली को अगवा किया गया, 6 दिन की एक बच्ची को। तो यहाँ भी ये सवाल जमरम लेते हैं कि आखिर उस 6 दिन के बच्चे ने ऐसा क्या जुर्म किया है? आप उस बच्चे का जुर्म तो बता दें। क्या बलोच होकर एक बलोच माँ के पेट में पलना 9 महीने तक और फिर उस बलोच घर में पैदा होना उस बच्चे का गुनाह हो गया कि आपने उसको भी अगवा कर दिया? ये सवालात हैं। इन सवालात के क्या हुकूमत के कर्ता धर्ता हमें कोई जवाब दे सकते हैं? लेकिन जवाब वहाँ मिलेंगे ना जहाँ कोई सामने आओ। यहाँ तो सारे नामालूम हैं, नामालूम अफराद हैं। यहाँ FIR भी किस पर की जाए? नामालूम अफराद, नामालूम अफराद, मुझे नहीं पता कि इसी दुनिया से हैं या किसी और सैारे से आते हैं। बहरहाल बलोच के साथ जो हो रहा है वो जुल्म दुनिया में कहीं नहीं होता होगा। जहाँ कहीं बड़ी बड़ी जुल्म की दास्तानें हों, जहाँ उनके लिए मुजम्मत की जाती है, उनसे इजहार यकजहती हमदर्दी की जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में जो जुल्म हम बलोचों पर देख रहे हैं सारी दुनिया देख रही है, वो जुल्म आप कहीं भी नहीं देख रहे होंगे। इस वक्त महज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं, लापता राशिद हुसैन की भतीजी, जो आज ईद के दिन, हम तो शायद अभी 4:30 बजे यहाँ मौजूद है, लेकिन महज़ेब सुबह सवेरे आकर बैठ गई थी। जिस बच्ची ने अपने घर में शायद सुबह नाश्ता भी ईद का ना किया और वो आकर यहाँ बैठ गई सिर्फ एहतजाज करने के लिए कि उसके प्यारे कहाँ लापता है। मैं महज़ेब से दरख्वास्त करूँगी कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी दास्तान कहाँ से सुनाना शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। मैं इस पिक्चर को इसलिए हर सड़क पे लेकर जाती हूँ। इस पिक्चर के पीछे मेरी घर की तमाम खुशियाँ, हमारी ईद की खुशियाँ, मेरे घर के बच्चों की मुस्कुराहट इस तस्वीर के पीछे है। और ये तस्वीर पिछले 4 साल से लापता है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गायब है, मुझे नहीं पता कि वो शेखों के पास है या वो पाकिस्तानियों के पास हैं। मैं पिछले 4 सालों से अपनी ईद, अपनी तमाम खुशियाँ इसी प्रेस क्लब के सामने गुजारती हूँ कि क्या पता आज मुझे फ़ायदा हो अगली ईद मैं राशिद के साथ गुजारूँ, कि क्या पता अगली ईद को राशिद आए, कि क्या पता अगले रमज़ान को राशिद आए। हमें नहीं पता हमारी खुशियाँ कैसे गुजरती हैं, हमें नहीं पता कि हमारे घर के बच्चे कैसे खुशियाँ गुजारती हैं। मैं सुबह 8 बजे से
इस धूप में आके बैठी हूँ कि खैर छोड़ो ये ईद जाए, अगले ईद में खुशी खुशी गुजार पाऊंगी। हमारी खुशियाँ इन्हीं सड़कों में गुजरती हैं, हमारी ईद इन्हीं सड़कों में गुजरती है। वो खुश नसीब माँ है, वो खुश नसीब बहनें जो अपने घरों में ईद गुजार रहे हैं, लेकिन वो खुश बदकिस्मत माँ से जो अपने भाई की तस्वीर लेके इसी सड़क पे आके दुबई के शेखों से अपील करती है, उनसे भीख मांगती है, उनसे अपना हक मांगती है, लेकिन वो मुझे सुनने को तैयार नहीं है। आज के दिन जो तमाम बच्चे अपनी खुशियां गुजारने निकले, तो मैं राशिद की पिक्चर लेके अपनी घर से निकली तो मुझे कहने लगे तुम जाओ हम तुम्हारी वीडियो देखेंगे। वो आज पार्कों में वीडियो बनाएंगे और मैं प्रेस क्लब में वीडियो बना रही हूँ। मैं वो बदकिस्मत बहन हूँ कि किसी दिन कोई खुशी में सारे एकजहती नहीं करती, लेकिन यहाँ मैं आके अपने प्यारों की बाजियाबी मांगती हूँ। मेरे छोटे छोटे बहन भाइयों पे उनका क्या कसूर है? राशिद एक स्टूडेंट था जो कि यहाँ उन्हें पाकिस्तान में कितने मसले हो चुके हैं यही लापता, यहाँ स्टूडेंट्स को उठाते हैं, यहाँ मजलूमों को उठाते हैं। तो वो दुबई गया, वहां पे वो बिजनेस नहीं करता था। मेरे ख्याल से वो दिन में 150 रुपए कमा के घर चले आता था, लेकिन अफसोस जब वो वही मजदूरी करने चला तो उन्हें गाड़ी से उतार के कहने लगे राशिद आप हैं? तो उन्होंने कहा जी राशिद मैं हूँ। तो अपने शनाख्त के साथ उनके कान उनके आंख बांध के आंखों पे पट्टियां बांध के उनके हाथ बांध के उन्हें लेकर गए। वो वही मुल्क था जिसमें कोई गाड़ी में तेज चले तो के उन्हें गिरफ्तार करते हैं, लेकिन उन्हें जेलों में लेकर जाते हैं। लेकिन हमारे भाई क्योंकि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, हम उस अमीर बलूचिस्तान के गरीब बच्चे हैं, हम अपील करते हैं आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हमारे मजदूर हमारे सब कुछ तुम लेकर जाते हो। हर घर का एक वाहिद कफील होता है, उसको तुम लापता कर देते हो। तो फिर ये बेबस माजेब ये बेबस औरतें इसी तरह निकलती है। जब हम घर से निकलते हैं तो हमें लोगों की नजरें झुकती है, हम अपनी पढ़ाई अपनी सब कुछ छोड़ के निकलते हैं। हमारी तालीम इदारों में हम महफूज नहीं। जब हम अपने घर वालों से कहते हैं कि हम पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो वो हमें कहते हैं कि भाई हालात सही नहीं है, हमारी तालीम सब कुछ रह चुकी है, यही सड़कें हमारे लिए बन चुके हैं। यहाँ पाकिस्तान के वजीर आजम उनसे हम अपील करते हैं कि भाई हमारे लोगों का कोई मसला हल करें, तो वो कहते हैं हमें समझने में टाइम लगेगा। अरे इसको समझने में तो 2 महीने लगते, कम से कम चंद महीने लगते, तो पूरा साल नहीं लगता, और आपको समझते समझते में साल लग जाती है और फिर आपकी हुकूमत खत्म हो जाती है। हमें वही झूठे आश्रय देते हैं आप, खुदारा हमें अब झूठे आश्रय नहीं दे, हमें झूठे दिलासा नहीं दे, हमें ये हौसला अफजाई नहीं दे, हमें अच्छे अच्छे बातें बताएं, हमें अच्छी उम्मीदें दिलाए कि कल को हम अपने भाइयों के साथ ईद गुजार सके, कि कल को माजे इस राशिद के साथ ईद गुजार सके। मुझे मेरे घर की खुशियां लौटा दो, मुझे मेरी मुस्कुराहट लौटा दो, मुझे मेरे भाई लौटा दो।
राशिद हुसैन के वालिद मुझे हमेशा कहते हैं, तुम बस करो, छोड़ दो, राशिद आएगा, आ जाएगा तो कल आएगा। मैं उसे क्या कहूं? ईद की सुबह राशिद के वालिद खून की उल्टियां करते हैं और जब उनसे पूछो तो कहता है, बेटा ये कोई बुखार नहीं, ये मेरे अंदर का जख्म है, जो कि ईद आके उनको गीला कर देता है। वो खुश्क होने का नाम नहीं लेते। खुदा रा उस मासूम बाप पे रहम करे। वो किसी से कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ मुझसे कहते हैं। मैं घंटों घंटों के पास बैठती हूँ, मुझे कहते हैं, मैं किसी के सामने नहीं रोना चाहती क्योंकि मैं खुद को कमजोर बनाना नहीं चाहती। मैं अपने सारे आंसू उसी के सामने निकालती हूँ और वो मुझे कहते हैं, आप मेरे जख्मों पे नमक नहीं छिड़को, आप उठ जाओ यहाँ से, मुझे आपको, मैं आपको देखना नहीं चाहती, आपके आंसुओं को देखना नहीं चाहती। ये जालिम रियासत है। अगर राशिद को लेकर गए तो राशिद के साथ साथ हम सब को लेकर जाए, क्योंकि उसके साथ साथ हमारी घर पूरी कैद हो चुकी है, हमारी घर कैद खाना बन चुका है। हमें कोई, हमने किसी भी तरह की खुशी नहीं देखी राशिद के बाद। 2018 के बाद माजेब यही प्रेस क्लब, यही सड़क और यही चीख करती आ रही है। मुझे नहीं पता कि ईद कैसे गुजारी जाती है। हमारे रहम करे हम पे खुदारा। हम जब कमीशन में जाते हैं तो हमें कहते हैं नहीं हमारे लोग उनके पास, तो हमारे लोगों को जमीन खा गई, आसमान लेकर गया। उस टाइम तो आके तुम लोगों के आंख बांध के लेकर जाते हो और फिर कहते हो हमारे पास नहीं। हर बात का मेरे पास प्रूफ है। मैं जब हाईकोर्ट जाती हूँ, मैं प्रूफ के साथ जाती हूँ। मुझे फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया जाता कि मैं अपनी बातें को शेयर करूं। मेरे पास हर बात का हर जवाब है। मैं चाहती हूं कि राशिद को जेल में लेकर आए। अगर उन्हें बाजियाब नहीं करते तो उन्हें अपने बनाए हुए अदालतों में लेकर आए, उन्हीं अदालतों में जिनमें इंसाफ की जाती है। लेकिन अफसोस, इस बलोच को हमने वहां से कोई इंसाफ नहीं देखी, वहां से हमें कोई इंसाफ नहीं मिली। अगर वहां इंसाफ नहीं की जाती तो वहां ताला लगाते, वो चीज किसी काम की नहीं है। हमारे साथ वहां इंसाफ नहीं की जाती, हमारे साथ ना इंसाफी होती है, हमारे लोगों को लापता कर देते हैं। अगर पाकिस्तान से लोग लापता होते हैं तो बाहर मुल्क से कभी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ हमारे साथ हुआ है। पहले राशिद को लेकर गए, अरे आ जाएगा राशिद, आ जाएगा, कल आएगा, लेकिन आ जाएगा। वो तो भाई अपने किए हुए काम पे शर्मिंदा होगा, लेकिन अफसोस वो शर्मिंदा नहीं हुआ। वो राशिद के एक और कजन यानी कि मेरे दूसरे चचा, उन्हें भी लापता कर दिया वहां से, और इसी सूरत जिस तरह राशिद को उठाया। मैं कहती थी कि मैं राशिद के बाद मर चुकी हूँ, लेकिन हफीज ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया, फिर से मुझे सड़कों पे निकाल दी। मैं आखिर टाइम थक चुकी थी, मैं उस टाइम बाहर नहीं आती थी, लेकिन मैं स्कूल से आई, मुझे पता चला कि तुम घर में नहीं बैठ सकती। मैं स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ वापस इसी सड़क पर आ गई। मुझे घर में बैठने का हक नहीं है, मेरी तमाम खुशियां छीन चुके हैं। मैं अपनी खुशियां मांगती हूँ, मैं अपनी घर की मुस्कुराहटें मांगती हूँ। मुझे लौटा दो, मुझे राशिद लौटा दो। शुक्रिया।